न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष फरद अली द्रीसी के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष फरद अली द्रीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां और ऑटो एवं ई रिक्शा पर अपनी कंपनियों का उत्पाद का प्रचार हेतु इन वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। प्रचार हेतु इनके पास कोई भी परमिशन किसी भी विभाग से नहीं होता, जबकि प्रचार हेतु परिवहन विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत से परमिशन लेनी अनिवार्य है, क्योंकि इससे सरकार की आय होती है। ताकि सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का इंतजाम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत करा सके। अगर कंपनियों प्रचार हेतु परमिशन लेती है तो सरकार के कोष में बढ़ोतरी होगी, मगर कंपनियां इसको नज़रअंदाज करते हुए अपने प्रचार अवैध तरीके से करती है। न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है और प्रशासन से इस पर कार्यवाही करने का निवेदन करती है। ज्ञापन देने वालों में चौधरी मुमताज आलम, धर्मेंद्र मुल्तानी, सुजात अली, शमीम खान आदि लोग मौजूद रहे। हमने आज डीएम साहब को ऑटो पे प्रचार जो कंपनियां अवैध तरीके से कर रही हैं उन्हें रोकने के लिए हमने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, जिसमें कि कुछ कंपनियां प्रशासन से परमिशन लेके नहीं आती, जिसका प्रमाण हमको देखने के लिए बधाइयों में मिला। हमारे न्यू जनता ऑटो एवं रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष में जाके जब बारी सोलर कंपनी को रोका तो उन्होंने उनसे धमकी और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे डाली। हम चाहते हैं कि जो भी कंपनी अब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करे वो नगर निगम द्वारा परमिशन लेके ही करे। क्या तो उस ज्ञापन में क्या मांग करी है आपने? ज्ञापन में ये मांग करी है कि हम जो भी कंपनियों का प्रचार अब तक लगा हुआ है उनकी अगर उनके पास परमिशन है तो वो प्रचार चलता रहना चाहिए, अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो उस प्रचार को उतारने के लिए यूनियन को आदेश देने चाहिए। ठीक है।